हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ जैक्स और वीकली टेक अपडेट्स के 15वें एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज कैमरा नहीं है, उसके लिए सॉरी। और आप जानते हैं कि मेरा रेडमी 3S प्राइम सर्विस सेंटर में है और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि जल्दी मिलने वाला है। एक हफ्ता हो चुका है, पता नहीं कब मिलेगा। खैर, वो अलग बात है। इसके अलावा जो हमारे चैनल पर चल रही थी गिव अवे यूट्यूबर्स के लिए, उसकी रिजल्ट 28 तारीख को वो ख़त्म हो रहा है। 29 को उसका रिजल्ट आएगा। रात में मैं लाइव आने की कोशिश करूंगा, मैं और जेट ज्योतिष गुडविन के होस्ट, हम दोनों मिलकर लाइव आएंगे और आपके सामने उसको खोलेंगे ताकि कोई भी ऐसा ना सोचे कि हमने चीटिंग की है। तो चलिए शुरू करते हैं। LG अपना एक लेज़र प्रोजेक्टर लॉन्च करने वाला है जो वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट लेज़र प्रोजेक्टर होने वाला है। हल्का होगा, मतलब बहुत बढ़िया, 2.1 kg की उसकी साइज होगी। घर पे आप उसको आराम से रख के चला सकते हैं। फेसबुक एक नई सर्विस लाने वाला है, फेसबुक लाइव ऑडियो के नाम से, जो बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है। मतलब ये है कि यहाँ पर अभी क्या होने वाला है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं हम लोग लाइव ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं या फिर न्यूज़ चैनल वाले, जो भी है लाइव ब्रॉडकास्ट होगा ऑडियो और उसको हम लोग लाइव सुन पाएंगे। आईफोन के बारे में रूमर्स है कि डुअल सिम आईफोन अगला आने वाला है। इसके अलावा रेड कलर में आने वाला है और वो शायद उसका नाम फरारी रखने वाले हैं। बट ये सब लीक्स है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। यूबर स्पेन में फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कार निकाल चुका है। मतलब यूबर ने, जो कि टैक्सीज देता है, स्पेन में इलेक्ट्रॉनिक कार देना स्टार्ट कर दिया है टैक्सी के रूप में। दिल्ली में टॉयलेट्स अपडेट हो चुके हैं, यानी आप गूगल मैप पर टॉयलेट सर्च कर सकते हैं, मतलब अपने नज़दीकी लोकल टॉयलेट्स ढूंढ सकते हैं। वो वर्किंग है, नहीं है, कैसे हैं, सब कुछ उसके बारे में आप जानकारी हासिल कर सकते हैं, अच्छी बात है। नोकिया ने आईफोन को सू किया है 32 पेटेंट के केस में। देखिए रिजल्ट क्या होता है। गैलेक्सी S8 में एक नया फीचर आने वाला है, बीस्ट मोड। पता नहीं ये क्या है बट नाम लीक हुआ है। S6 Edge Plus ब्लास्ट हुआ है, क्या होगा। पेपर की बैटरीज आ रही है, पेपर कागज़ की बैटरी, मतलब पतली पतली कागज़ की बैटरी कुछ साइंटिस्ट ने बनाया है। अब देखिए कब तक हम लोगों के हाथ में आ पाता है। कुछ साइंटिस्ट ने कुछ रिसर्च की है और 5 लोगों पर टेस्ट करने वाले हैं, 5 ब्लाइंड लोगों पर, जिससे कि वो एक चश्मे के ऊपर कैमरा लगा हुआ है उसके हेल्प से देख सकते हैं। सुनने में अजीब लगता है बट शायद पॉसिबल हो जाए, अच्छी बात है अगर हो जाता है तो। फेसबुक गूगल डूगल के जैसे एड्स लाने वाला है फेसबुक पर, बल्कि आ चुके हैं, आप उसको अगर अपना ऐप अपडेट करते हैं तो देख सकते हैं। एयरटेल वी फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस जो कि 100 Mbps की स्पीड देगा, मुंबई में लॉन्च हो चुका है। सुपर मारियो गेम जो आईफोन में हाल ही में लॉन्च हुआ था, उसको अब तक 4 दिन हो गए हैं लॉन्च हुए हुए और 4 दिन में 40 मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया है। लॉजिटेक कंपनी ने एक नया कीबोर्ड लॉन्च किया है जिसका नाम है K375S, जो 1995 रुपये का होगा। ये कुछ मल्टी डिवाइस कीबोर्ड है बट मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूँ, जैसे समझता हूँ आपको बताऊँगा। हीलियो X30 का गीक बेंचमार्क पे टेस्ट हुआ है और एवरेज स्केल आया है, ठीक है। एंड्रॉयड 7.0 6GB रैम के साथ टेस्ट हुआ था। शाओमी मी मैक्स वाइट कलर में लीक हुआ है। OnePlus 3 सिर्फ एक आदमी को मिला जो सेल था, और क्यों किया फ्रॉड, वो भी अमेज़ॉन की तरफ से, अमेज़ॉन से ख़रीद के उसको दिया गया था, पता नहीं क्या था। खैर आप होशियार हैं, खुद समझ सकते हैं। गवर्नमेंट ने एक सर्वे किया है और कहा है कि 70% विलेजर्स ने ई पे सर्विस को यूज़ किया है, बट मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। ई वॉलेट सर्विस 70% विलेजर्स, मेरा भी होम टाउन विलेज ही है बट मेरे गांव में तो शायद ही कोई यूज़ करता है, पता नहीं कैसे कर दिया, मुझे यकीन नहीं है, देखते हैं। कहा है तो कुछ तो बात होगी। ट्राई ने कहा मोबाइल कंपनीज़ को कि 100 MB आप सबको दीजिए फ्री में, क्यों, क्योंकि ताकि वो लोग ऑनलाइन पेमेंट कर सकें। और बस इनका क्या था, फिर तो मोबाइल कंपनी वाले नाराज़ ही हो गए कि 100 MB कैसे दे दें भाई, 100 MB डेली मेरा व्हाट्सएप पे खर्चा होता है, 100 MB कम से कम, और वो 100 MB मतलब नहीं दे सकते हैं, हद है, वो भी महीने का था, कंजूस। FB कुछ स्लाइड शेयर बना रहा है मूवी मेकर के जैसा एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए, यानी आप उसके थ्रू कुछ वीडियो बना सकते हैं। अब देखते हैं ये कब तक हो पाता है। और जियो के बारे में एक बेहतरीन खबर ये है कि जियो ने कहा है कि वो मार्च तक 100 मिलियन का स्केल कंप्लीट कर लेगा। और जियो के बारे में कुछ 2-3 और अपडेट्स हैं मेरे पास, जिसको मैं बहुत जल्दी ही आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। सैमसंग गैलेक्सी S7 Edge अब पिंक गोल्ड कलर में भी अवेलेबल है इंडिया में, अच्छी बात है।
मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक को यूज़ करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम किया है और एक जार्विस नाम का फीचर डाला है जो कि कुछ आपके कैलेंडर वगैरह गूगल असिस्टेंट के ही जैसा कह सकते हैं आप। डिटेल में मैं समझ नहीं पाया हूँ, मैं उस पर एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ। जियो की स्पीड स्लो हो गई है, अब देखते हैं क्या होता है, शायद आप लोग की भी है, अगर है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि उन्होंने कहा था 1 GB करने के बाद आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। कहाँ बढ़ा, सिर्फ रात में बढ़िया चलता है। एक प्लेन में एक व्यक्ति ने अपने मोबाइल के वाईफाई का नाम रखा था हॉटस्पॉट का सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 और ऑन रखा हुआ था। दूसरे प्लेन में चढ़े हुए एक यात्री ने उसे देखा और क्रू को बताया। क्रू ने अनाउंसमेंट किया कि भाई जिसके पास भी है बता दो, अच्छी बात नहीं होगी वरना। लेकिन वो बंदा डर गया और सामने नहीं आया। उड़ते हुए प्लेन को ज़बरदस्ती इमरजेंसी लैंडिंग करवाना पड़ गया और उसके बाद उसने डर के बताया और कहा कि मैं डर से सामने नहीं आ रहा था, दरअसल मेरे वाईफाई का नाम ये है। पता नहीं क्या करते रहते हैं लोग। कुछ 5 साल पहले की बात है, लोग अपने ब्लूटूथ का नाम रखते थे वायरस है, वायरस हियर, वायरस फाउंड। आज लोग रख रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी नोट 7। लाइफ ने एक नया फ़ोन लॉन्च किया है लाइफ विंड की सीरीज़ में 7S के नाम से। इसमें आपको मिल जाती है 5 इंच की IPS डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन का 210 का प्रोसेसर और 2 GB की रैम, 16 GB इंटरनल मेमोरी, एंड्रॉयड 6.0 के साथ, 8 MP बैक कैमरा, 5 MP फ्रंट कैमरा, 5,000 रुपये में। अच्छा है। शाओमी का 4G लैपटॉप आया है 12.5 इंच और 13.3 इंच का। 12.5 इंच वाले की दाम है 45,900 और इसके अंदर आपको मिल सकता है इंटेल का M5 का प्रोसेसर, 128 GB इंटरनल मेमोरी और आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। और जो 13.3 इंच का है उसके अंदर आपको मिलती है 60,000 की, पहले तो वो मिल जाती है, और कोर i7 मिलता है 258 GB के हार्ड डिस्क के साथ। अच्छी बात है, पता नहीं Xiaomi इंडिया में देगा या नहीं। तो दोस्तों वीकली टेक अपडेट्स यहीं पे ख़त्म होती है, सॉरी। उम्मीद करूँगा कि अगले हफ्ते कैमरा का इंतज़ाम हो जाए। तो फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियोस में, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे साथ बने रहिए।